पिछले बार हम लोग रामकृपाल को बहुत अच्छे से मदद किए थे, 40-39 सांसद गया था। हम लोग तो इस सांसद को जिम्मेवार मानेंगे, यहाँ का सरकार को जिम्मेवार मांगेंगे कि जब नरेंद्र मोदी साहब सवाल नहीं करेंगे तो जीत को जाने से क्या फायदा। हम लोग का कुछ प्रेशर भी आया था कि आप चयन मत कराइए, हमको छवि खराब हो रहा है, जादव समुदाय से है, लेकिन हम आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मनेर विधानसभा से आए हैं, खासपुर हम लोग का घर हुआ। क्या लग रहा है रामकृपाल यादव को इस बार टक्कर देंगे या नहीं? बहुत टक्कर देंगे इस बार तो, इनका चुनाव निश्चित जीत है। हाँ जी, कितने से जीत? पिछले बार हम लोग भी रामकृपाल को वोट दिए थे और मदद भी किए थे, लेकिन इस बार उनका कामकाज से हम लोग खुश नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार मिशा भारती को सपोर्ट कर। पिछली बार आप उनको सपोर्ट? जी हम लोग सपोर्ट किए थे। तो राजद के कार्यकर्ता है या फिर ऐसे? नहीं नहीं, देखिए हम लोग किसी का कार्यकर्ता नहीं होता है, सिस्टम के अनुसार हम लोग चलते हैं। पिछले बार आम जनता है, आम जनता है। पिछले बार भी हम लोग जैसे उनको चयन कराने का काम किए थे, बहुत मदद किए थे। हम लोग का कुछ प्रेशर भी आया था कि आप चयन मत कराइए, हमको छवि खराब हो रहा है, जादव समुदाय से है, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। पिछले बार हम लोग रामकृपाल को बहुत अच्छे से मदद किए थे, वो हमको बहुत अथी किए थे। जब चुनाव का समय था, चुनाव के बाद नहीं नोटिस लिए, नहीं किसी से बात किए, नहीं कुछ ऐसा विकास का काम दिखाई दिया। हमारे क्षेत्र में तो और नहीं हुआ, खासकर हमारे पंचायत में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नाराज के कारण हम लोग अपनी इस बात, लेकिन ये चीज आप मानते हैं, एक जो ऊपर से पार्टी का वोट होता है जी, पार्टी का वोट होता है, जो मोदी जी का एक अलग छवि है, कल रोड शो भी हुआ यहाँ पे, तो उनका एक नारा है 400 पार, तो वो कितना साबित होगा बिहार? देखिए बिहार से एक बार पहले बात बता दूं, 19 में जब मान लें बिहार से, हमारे बिहार से 40-39 सांसद गया था। हम लोग तो इस सांसद को जिम्मेवार मानेंगे, यहाँ का सरकार को जिम्मेवार मांगेंगे कि जब नरेंद्र मोदी साहब सवाल नहीं करेंगे तो जीत को जाने से क्या फायदा। जब 39 सांसद वहाँ गया था और ये विकास का काम नहीं मांगा है, लोग कभी सदन में आवाज नहीं उठा पाया, उनके सामने भावना बना रहता है, तो वोट देने से क्या फायदा उन लोग का? इससे तो अच्छा है कि जो विपक्ष में रहेगा वो तो आवाज उठाएगा, वो तो हमारे मुद्दों को समझेगा, वैसे व्यक्ति को वोट देने से क्या फायदा। आप लोग कैसे सपोर्ट कर, किस स्तर से? नहीं नहीं, हम लोग देखिए परिवर्तन है। एक बार इंडिया एयरलाइंस का गठबंधन का सरकार बने, मान लें 10 बरस इनको भी देखा गया, कोई विकास का काम नहीं हमको नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग सोचा रहे हैं कि फिर कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस ने 2G घोटाला करा था। देखिए होते रहता है, लोगों का कहना है, मान लें कि अभी भी जितने भी बीजेपी में लोग हैं वो सब तो साफ सुथरा हो जा रहे हैं, अभी देखिए ना महाराष्ट्र का, देखिए ये क्या बोलता है, अजीत पवार का देखिए ना, गए हैं ना वहाँ, मान लें कि क्या बोलता है, शरद पवार का भतीजा था, वो यहाँ पर एथी थे, क्या बोलता है, घोटालेबाज थे, वहाँ गया तो सब उसका सब क्लीन चिट मिल गया, अच्छा हो गया वो, तो इस तरह का होते रहता है। आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट। कितना उम्मीद है, कितना वोट से जीतेंगे? अरे यहाँ तो करीब करीब 3-4 लाख वोट से जीतेंगे इस बार। 3-4 लाख वोट, यहाँ कोई ज्यादा का मार्जिन नहीं था, 38,000 से पिछले बार रामकृपाल जी जीते थे, कोई ज्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन अब मनेर विधानसभा से मोटा मोटी हम लोग 40,000 से लीड कराए।